अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा लुक है वो है एवरीडे आई मेकअप, या इसके अलावा नेचुरल लुक भी है। जो लड़के यूनिवर्सिटीज जाती हैं उनके लिए ये लुक बेस्ट है, उसके अलावा वर्किंग लेडीज़ के लिए मतलब नेचुरल लुक है, तो इस तरह से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के साथ आप लोगों से शेयर कर सकूँ। जी, आई बेस वगैरह तो हमारी सेट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने ये लिया है हाइलाइटर, जो कि बहुत ही डल सा है, डार्क गोल्डन है। जस्ट इसको मैं ब्रो बोन कंपनी को नीट करने के लिए इसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारा लुक जो है बहुत ही नीट है, क्योंकि एवरीडे लुक में या नेचुरल लुक में हमें ज़्यादा शाइन नहीं चाहिए होती है, जस्ट हमें नीट एंड स्मूथ लुक चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है येलो आई शेडो, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पे, इसी को आईलिड पे अप्लाई करूंगी और इसी को अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी, और अच्छी तरह से उसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है, ताकि हमारा जो लुक है बहुत ही स्मूथ आए। और नेचुरल लुक में तो आप लोगों को पता है हमें डार्क शेड्स नहीं चाहिए, तो इसको अच्छी तरह से हमने लाइट शेड को ही ब्लेंड करना है। उसके बाद ये रेडिश सा शेड है, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी हेल्प से मैं जस्ट अपर लाइन पे, जिस तरह से हम लोग आईलाइनर अप्लाई करने के बाद उसकी ब्लेंडिंग करते हैं या स्मज करते हैं, तो इसी तरह से मैंने इसको अप्लाई करना है, और साथ साथ इसको हमने हल्के से स्मज करते जाना है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर ब्लैक आईलाइनर अप्लाई नहीं करना है, ये रेडी शेड है वो मैंने ली है और यहाँ पर अप्लाई की है। उसके बाद जो ब्लैक आई शेडो है, इसको हमने जस्ट आउटर कॉर्नर में एक विंग छोटा सा क्रिएट करना है, एक छोटा सा कॉर्नर बाहर निकालना है, ताकि हमारी आईज थोड़ी सी बड़ी लगें। इसके अलावा इनर कॉर्नर वाली साइड से हमने एक छोटा सा कॉर्नर बाहर निकालना है, जस्ट आई को शेप देने के लिए, इसका और कोई भी मकसद नहीं है, हमने ज़्यादा हैवी नहीं करना इन चीज़ों को। उसके बाद जी डल गोल्डन सा शेड है वो मैंने लिया है, लोअर लाइन पे अप्लाई किया है। उसके बाद वाटर लाइन पे मैंने वाइट आईलाइनर अप्लाई किया है, आप लोग ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी आईज थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन जिनकी छोटी हैं या नॉर्मल है, आप लोग कोशिश करें कि न्यूड शेड्स अप्लाई करें। उसके बाद लैशेस को कर्ल किया है, और आफ्टर दैट हमने करना है मस्कारा अच्छी तरह से, क्योंकि नेचुरल लुक में या एवरीडे लुक में आप लोगों की नेचुरल लैशेस ही चलती हैं, जिनकी ज़्यादा छोटी होती है वो बहुत ही लाइट सी लैशेस होती हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी आई की जो शेप है वो थोड़ी सी खूबसूरत लगे। नहीं तो जिनकी नेचुरल लैशेस थोड़ी सी बड़ी होती है उनका तो गुजारा हो ही जाता है, तो इस तरह से आप लोग फोल्ड करके उसके बाद एप्लीकेशन कर लें मस्कारा की। तो ये हो गया हमारा फाइनल लुक, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, और फेवरेट लुक क्रिएट करवाने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि न्यू एंड ट्रेंडी लुक्स एंड अपडेट्स बर वक्त आप लोगों तक पहुँच सकें। इसके साथ साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।